ओ तेरी के ओ माई गॉड हेलो हेलो एवरी वन हेलो एवरी वन अब बताओ हेलो एवरी वन चलो इसका भी मजा ले लो मुक फिल्म का अब बताओ अरे यार ये क्या हो गया यहां आओ यहां आओ यहां आओ अब कैसी आवाज आ रही है सही है अब बताओ बेटा अब ठीक है चलो अरे होता है यार बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी घटनाएं तो होते रहती हैं यहां हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पे ये क्या था भाई ये वॉब है और वोब है तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एड वॉब चाहिए तो ये डिलीजेंटली चाहिए था वैसे भी वैसे भी तो ये क्वेश्चन कल हो ही गया था अब आ रही होगी यार अब तो आ रही होगी हाँ जी गुड इवनिंग जय हिंद जय हिंद गुड इवनिंग चले आ जाए चले <coughs> ये भाई देखो देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है पसीने छूट रहे हैं बाकी चैनल वालों कि ये एग्जामपुर ये कारामाद कैसे कर रहा है एस एस सी एम टी एस दो की और वो भी गुरुकुल बैच ऑफलाइन बैच सारी फैसिलिटीज वाला बैच ये फ्री कैसे चल रहा तो बेटा यकीन करो ये बैच वाकई फ्री है आप आओ और ये क्लास लो आ रही है ना अब आ रही है ठीक है चलो तो इसमें हाँ नंबर थ्री नंबर थ्री था आंसर सही है चलो तो ये बिल्कुल सही में जो लिखा हुआ है कोई छलावा नहीं है कोई धोखा नहीं है कोई आकर जिनको लेना है तैयारी करनी है ऑफलाइन गुरुकुल बैच वो आ जाए भाई ले लें चलें ये मैं कल क्वेश्चन छोड़कर चला गया था इसका आंसर देना है ये क्वेश्चन मैं छोड़कर चला गया था हिलेरियस ओ यूएस याद होगा कि बहुत पहले हम लोगों ने किया हुआ था कि ओ यूएस वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं और केवल यूएस वाले वर्ड्स नाउन होते हैं जैसे याद होगा एक वर्ड हम लोगों ने लिया था बहुत बहुत लोग उसमें नहीं भी होंगे जैसे एक वर्ड था आई एम पी ई टी यू एस ओ यू एस और एक वर्ड था आई एम पी ई टी यू एस दोनों तो ये हम बता दें कि पहले कि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है इनका मीनिंग जल्दी से बता दें सभी ओ यूएस वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं मैं ठीक हूँ बेटा मैं ठीक हूँ विशु ठीक हूँ सब लोग ठीक हो ये हमारी कोशिश है कि सब लोग ठीक रहो एग्जाम दो रिजल्ट दो परिवर्तन दो अपने जीवन में परिवर्तन लाओ गुड इवनिंग बेटा बनोज अपने जीवन में लाओ माँ बाप के चेहरे पर प्रसन्नता लाओ मुस्कान लाओ खुशहाली लाओ भाई बहन को प्रेरित करो दोस्तों को प्रेरित करो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाओ और सबका जरिया है एक नौकरी एक नौकरी ये सारे काम कर देती है चले तो ये हमने चर्चा किया था बहुत पहले कि वो यूएस वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं केवल यूएस वाले वर्ड्स नाउन होते हैं इनका मीनिंग क्या भाई ये बता दे बेटा बता दो सब लोग इमपैच और impacious. जल्दी बताएंगे मीनिंग देर कर रहे हो सब लोग जल्दी बताएंगे चलें हाँ जी चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग इम्पैचूस इम्पैचूस का मतलब होता है हिंदी अगर लिख लिया जाए तो यह होता है उतावला होता है ठीक है और इंग्लिश में होता है यह रैश आर ए एस एच होता है या ये होता है आई एम पी ए टी आई एन टी इम होता है और ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड है ना कि ये तो एक नेगेटिव वर्ड है लेकिन यह उतना ही एक पॉजिटिव वर्ड है और नाउन है इसका मतलब होता है आई एन सी ई एन टी आई ई या एस टी आई एम यू एल यू एस जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रोत्साहन कहते हैं प्रोत्साहन चले अब आते हैं हिलेरियस ये भी एक एडजेक्टिव है हिलेरियस का मतलब होता है जॉयस जे ओ वाई ओ S, जॉयस होता है हिलैरियस का मतलब ह्यूमरस होता है आनंददायक होता है और इसका मतलब ह्यूमरस का मतलब विनोदी स्वभाव हंसी मजाक वाला विनोदी भी होता है विनोदी विनोदी तो अब इसका मिल गया भाई रिडिक्यूलस जो है हाँ जी आंसर आ गया सबका यार आंसर पहले आता है इतने इतने टैलेंटेड हो सबसे पहले आंसर आ जाता है देखो अब रिडिक्यूलस जो वर्ड है भाई रिडिक्यूलस भी एक नेगेटिव वर्ड है रिडिक्यूलस एक एडजेक्टिव है यह भी सही बात है कि एडजेक्टिव तो है और रिडिक्यूलस का मतलब क्या होता है रिडिक्यूलस का के लिए अगला दूसरा वर्ड क्या दे सकते हैं रिडिक्यूलस का जल्दी से लिख के बताओ मैं यार भूल रहा हूं लगता है कि मेरा दिमाग सठिया रहा है क्या यार रिडिक्यूलस उपहासात्मक व्यंग्यात्मक व्यंग्यात्मक होता है ये तो हिंदी मैंने लिख दिया इंग्लिश में क्या होता है इंग्लिश में क्या होता है भाई ये इंग्लिश में एम ओ सी के आई एन जी मॉकिंग होता है टी ए यू एन टी आई जी टॉन्टिंग होता है मॉकिंग होता है टॉन्टिंग होता है जे डबल -E ई -E आर आई एन जी जियरिंग होता है व्यंग करने वाला उड़ाने वाला होता है होता है ना यस yes! प्रीटेंसस का मतलब होता है बहाने वाला यहां लिख देता हूं प्रीटेंस छलावा या बहाना युक्त छलावा युक्त या बहाना युक्त और इसको इंग्लिश में कहेंगे एफ ई आई आई जी जी एन एन फिनिंग होता है बहाने वाला यूजल अब देखो आंसर यार पहले से आ गया है और यहां हम लोगों ने लिख लिया कि इसका मतलब क्या होता है ह्यूमर होता है ह्यूमरस होता है और ह्यूमरस का चूंकि एंटोनिम देना है तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड है लेकिन इसका एंटोनिम तो नेगेटिव होगा तो अब देखो बेटा यूजुअल तो हटा दो यूजुअल तो नहीं होगा ना यूजुअल तो नहीं होगा अरे तुम लोग यार यंग हो जवान हो दिल, दिल शरीर में अभी रक्त का प्रवाह है धमनियों में शिराओं में बह रहा है चलो ह्यूमर तो लेस हो जाएगा यार ना ये तो देखो ह्यूमरस है फूल ऑफ ह्यूमर है इसका मीनिंग क्या है ये फूल ऑफ ह्यूमर है ये क्या भाई फूल ऑफ ह्यूमर है फूल ऑफ ह्यूमर है तो ये क्या हो जाएगा ह्यूमर लेस लेस हो गया तो यही हो जाएगा हमारा एंटो यही है आंसर चार नंबर चार नंबर ना यस yes, डी होगा क्या बात है डी होगा बिल्कुल सही चलें अगला क्वेश्चन है अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स इच ईयर फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा देखो सब लोग जानते हो सभी ने ग्रामर के रूल पढ़े हुए हैं बस याद करना है उसको एक बार दिमाग में लाओ तो अपने आप आंसर मिल जाएगा एक बार दिमाग में लाओ आंसर अपने आप मिल जाएगा सबने पढ़ा हुआ है भाई सिंटेक्स का रूल है या नाउन का रूल है या वर्ब का रूल है सबने पढ़ा हुआ है ये, उसका आंसर हो हो जाएगा, सही है यह सबने पढ़ा हुआ है बेटा कि द नंबर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन सिंगुलर वर्ब होता है कि अगर द नंबर ऑफ है द नंबर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब होती है ये क्या ले लिए भाई द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब होती है द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है ये नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब होती है याद रखेंगे <coughs> द नंबर ऑफ प्लुरल नाउन लेकिन सिंगुलर व लेकिन अगर ए नंबर ऑफ लिख दिया जाए ए गुड नंबर ऑफ लिख दिया जाए ए लार्ज नंबर ऑफ लिख दिया जाए तो इनके बाद या ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लिख दिया जाए तो ए नंबर ऑफ जब ए नंबर ऑफ की बात आती है ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए गुड नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल नाउन भी होता है और प्लुरल व भी होती है प्लूरल नाउन और प्लुरल दोनों ये तो कुछ और ले लिया यार लिखा मैंने कुछ और ले लिया कुछ और ठीक है ए नंबर ऑफ है ये ओ एफ ए गुड नंबर ऑफ है ये ए लार्ज नंबर ऑफ है ये तो इसके बाद याद रखेंगे कि ये प्लुरल नाउन है प्लुरल नाउन है और प्लस प्लुरल वर्ब है अब यहां पे क्वेश्चन हमारा जो आया हुआ है देखेंगे ए सिग्निफिकेंट ए है ना द तो है नहीं तो ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सही है लेकिन लेकिन अब यहां पे देखो कि ये वॉलंटियर तो भाई ये नाउन भी होता है ये एडजेक्टिव भी होता है अब ये वर्ब भी हो गया तो ये क्या है भाई सब्जेक्ट ये क्या है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब आता है और वर्ब चूंकि ये प्लुरल है तो इसके साथ पुलगल हो जाएगी तो ये हो जाएगा वी ओ एल यू एन टी डबल -E ई -E आर केवल होगा वॉलंटियर्स नहीं होगा क्या होगा वॉलंटियर हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा हाजी राधे राधे गुड इवनिंग चले आ जाए सभी तो यहां पे बेटा ये चूंकि आया हुआ है वर्ब के रूप में तो वॉलुंटियर्स नहीं ये ए नंबर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद क्या आना चाहिए प्लुरल नाउन और प्लुरल आनी चाहिए तो यहां पे वॉलंटियर हो जाएगा यानी कि यहां पे यहां पे जो वॉलंटियर्स आया है एस नहीं रहेगा यानी कि एक नंबर आंसर हो जाएगा वन वन नंबर <coughs> चल ये आसान है बता दें वन वन वन, वन यस टाइम एंड टेक्नोलॉजी यार यार जब भी दो चीजें होंगी अगर हम कुछ भी दो लिखें एक को छोड़ दें दो लिखें तीन लिखें चार लिखें पांच लिखें तो इनके बाद तो पुलुरल नाउन ही रखेंगे ना और पुलुरल वर्ब भी रखेंगे पुलुरल नाउन और पुलुरल तो ये टू जब दे दिया तो ये फैक्टर्स क्यों नहीं कर देंगे जब टू है तो फैक्टर्स हो जाएगा सिंपल सी बात है इसको तो कोई भी व्यक्ति बता देगा टू टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यानी कि यहां पे हो जाएगा फैक्टर्स यानी कि ये हो जाएगा हमारा थ्री नंबर थ्री 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 हो गया डन यस प्लुरल हो जाएगा आर तो सही है ना आर तो दिया हुआ है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर यहां तक सही है आर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट दिया हुआ है लेकिन ये जो नाउन आ रहा है ये नाउन प्लुरल होना चाहिए तो फैक्टर्स हो जाएगा नेक्स्ट <coughs> अब ये है क्लोज टेस्ट घबराएंगे नहीं बहुत आसान होता है और देखें बिना ऑप्शंस देखे भी बिना ऑप्शंस देखे भी थोड़ा सा हम इनको केयरफुली होकर पढ़ लें गो थ्रू कर लें तो बिना ऑप्शंस देखे भी इनका आप मीनिंग या इनका आप आंसर दे सकते हो बिना ऑप्शन देखे आंसर दे सकते हो कैसे क्या आप सोच सकते हैं क्या आप सोच सकते हैं यही मीनिंग है अब देखो क्या आप सोच सकते हैं मतलब दिमाग में क्या आप ऐसी बात ला सकते हैं दिमाग में ऐसी बात आप ला सकते हैं क्या मतलब क्या है भाई सोचना है यहां सोचना का मतलब क्या है कल्पना करना है कैन यू ए डीप वुमन एक बहरी कान से जिसको सुनाई नहीं देता है राइटिंग स्टोरीज लिख रही हो और वो भी स्टोरीज किसकी वॉर की युद्धों की, की कहानियां लिखने वाली बहरी महिला के बारे में क्या आप सोच सकते हैं क्या आपके दिमाग में ऐसी बात आती है कि एक जिसको सुनाई नहीं पड़ता है महिला जिसको सुनाई नहीं पड़ता है वो युद्ध की कहानियां लिखती है वॉर की बात सही है अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो सोचिए लौरा रेडन सियरिंग ये नाम है इन्होंने यह कारनामा कर दिखाया इन्होंने यह कारनामा कर दिखाया उनको कानों से सुनाई नहीं पड़ता था फिर भी उन्होंने वॉर की कहानियां लिख डाली मोर ओवर का मतलब क्या होता भाई इन एडिशन टू इन एडिशन टू इसके अलावा या के अलावा इसके अलावा इसके अलावा शी वेंट टू फॉरेन कंट्रीज उन्होंने वॉर की कहानियां लिखी लेकिन केवल अपने ही देश में नहीं वो विदेश भी चली गई टू राइट स्टोरीज लिखने के लिए शी वॉज वेरी वो बहुत बीमार थी ill थी वेन शी वॉज इलेवन ईयर्स ओल्ड और इस बीमारी के कारण से उनकी सुनने की शक्ति चली गई कौन सी शक्ति सुनने की शक्ति चली गई सुनने की शक्ति चली गई इनकी देखें सुनने की शक्ति तो कौन सा पावर होगा भाई लिसनिंग पावर होगा या हियरिंग पावर होगा यही तो होगा स्पीकिंग तो होगा नहीं शी वेंट टू जब ये बहरी हो गई तो मिसोरी स्कूल फॉर डीप जो बहरे बच्चों का स्कूल था इन्होंने ज्वाइन किया लॉरा वॉज नाइनटीन ईयर्स ओल्ड वेन शी वेंट टू वर्क फॉर ए न्यूज केवल महज उन्नीस साल उन्नीस साल की अवस्था में इन्होंने किसी न्यूज के लिए आ जाएगा ऑप्शन देंगे ऑप्शन देंगे इन्होंने उन न्यूज़पेपर के पहले हम थीम देख लेते हैं एक बार ऑप्शन देंगे तो इन्होंने न्यूज पेपर के लिए काम करना शुरू किया सी रोट अबाउट पीपल इन्होंने लोगों के बारे में लिखा प्लेसेस के बारे में लिखा कलाओं के बारे में लिखा इन एटीन फिफ्टी नाइन मोस्ट वीमेन अठारह का दौर है जब अधिकतर महिलाएं पर्दा प्रथा की शिकार थी घर की चार दीवार के अंदर रहती थी मोस्ट वीमेन वर जस्ट पत्नियां थी मतलब घरेलू महिलाएं थी अब यहाँ पे क्या होगा जैसे पत्नी हो गई बहन हो गई माता माँ हो गई तो घरेलू यहाँ पे क्या भाई घरेलू महिला घरेलू महिला घरेलू महिला घरेलू महिला ये मीनिंग देना है दे डिड नॉट वर्क outside द होम घर के बाहर जाके काम नहीं करती थी अगर घर के बाहर कोई महिला पैर निकालती तो पुरुष उसको अलग सोचते देयर हसबेंड्स वुड बी एंग्री क्रोधित हो जाते ड्यू टू दिस फीलिंग और यही वो फीलिंग थी लौरा ने एक ऐसा नाम यूज किया जो महिला का नाम नहीं था पुरुष का नाम था खुश रहो बेटा खुश रहो समन पुरुष का इन्होंने नाम ले लिया अपना नाम रख लिया इन्होंने पुरुष का नाम रख लिया नेम वेन सी रोट हर स्टोरी जब इन्होंने अपना कहानियां लिखना शुरू किया सी कॉल्ड हॉर्सेल्फ अपना इन्होंने नाम रखा हर सेल्फ हॉर्वर्ड ग्लाइंडन नाम रख लिया सी थॉट इनको लगा दैट अनलेस यूज ए महस्कुलन नेम जब तक यह किसी पुरुष का नाम यूज नहीं करेंगी पीपल वुड भी लोग इनसे जलने लगेंगे क्या हो गए लोग इनसे जलने लगेंगे हाँ जी महिलाओं को अगर कोई पीछे नहीं कर पाते हैं पुरुष आज भी हमारे समाज में है तो उनसे बैर भावना रखने लगते हैं उनसे कुछ और सोचने लगते हैं चले आगे ऑप्शन पहला देख लें कैन यू क्या आप सोच सकते हैं क्या आप सोच सकते हैं ऐसा भी हो सकता है बताएंगे मलाइन किसी का किसी की इमेज खराब करना या किसी की प्रतिष्ठा किसी का इज्जत खराब करना प्रतिष्ठा खराब करना मलाइन करना प्रतिष्ठा खराब करना क्रिएट का मतलब भाई क्या है तो क्रिएट का मतलब है निर्माण करना है क्रिएट का मतलब निर्माण करना है कंजूर का मतलब क्या भाई जादूगरी करना जादूगरी करना है जादूगरी करना है जादूगरी करना, जादू करना है अब यह है कल्पना करना कल्पना करना है ये क्या आप ऐसा सोच सकते हैं मतलब आगे आंसर ना नहीं नहीं भाई जादूगरी थोड़े करना है यहां पे यहां पे दिमाग में लाना है दिमाग में किसी बात यस बिल्कुल स्टडी देखो बेटा सही बता दिया अरे आराम से सी का सीजीएल भी पास कर लोगे और उसके आगे भी राष्ट्रपति का भी परीक्षा होगा तो उसको भी पास कर लोगे तो ये क्या गा? बिल्कुल चार नंबर सही है बेटा आंसर जिन जिन का चार आ गया या इमेजिन क्या आप ऐसा सोच सकते हैं मतलब इमेजिन करना ये हो गया फोर नंबर चले आप तेजी से काम करेंगे ये फोर नंबर हो गया क्या आप ऐसा सोच सकते हैं इमेजिन और यहां पर क्या है भाई इनकी सुनने की शक्ति था ना सुनने की शक्ति सुनने की शक्ति तो देखेंगे अब क्या भाई इनकी क्या चली गई इनकी सफरिंग चली गई नहीं 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 सफरिंग तो नहीं सफरिंग का मतलब पीड़ा या कष्ट होता है पीड़ा या कष्ट तो इनका कष्ट चला गया नहीं इनका सहन शक्ति तो इनकी क्या सहन शक्ति चली गई नहीं नहीं सहन शक्ति नहीं गई सहन शक्ति गई नहीं तो क्या इनका इंस्पिरेशन चला गया इनकी प्रेरणा चली गई नहीं इसके बाद ही तो इनको प्रेरणा मिली तो ये नहीं होंगे ये नहीं होंगे इनकी सुनने की शक्ति चली गई हियरिंग दैट वॉज हियरिंग चली गई इनकी सुनने की शक्ति चली गई ये वो दौर था अठारह वो दौर था जब महिलाएं घरुल घरेलू महिलाएं हुआ करती थी घर की चार दीवारी के बाहर पैर नहीं रखती थी कोई पत्नी थी बहन थी कोई किसी की मां थी नहीं तो यहां प्रोफेशनल नहीं थी वो प्रोफेशनल्स नहीं थी वो आर्टिस्ट थी नहीं वो राइटर्स थी नहीं, वो टीचर्स थी नहीं क्या भाई ये भी एक प्रोफेशन है ना ये भी प्रोफेशन है ये भी क्या भाई ये भी प्रोफेशन है आर्टिस्ट होना क्या है प्रोफेशन है और ये भी क्या है ये भी तो प्रोफेशन है और हमें देना है घरेलू महिलाएं घरेलू महिलाएं क्या करेंगे क्या करेंगे बिल्कुल सही करेंगे भाई हवन तो नहीं ही करेंगे मेल्डन well <coughs> तो कोई पत्नी थी कोई किसी की बहन थी कोई किसी की मां थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी काम करने के लिए ठीक है सही है आगे सबका इसलिए इन्होंने सोच लिया इन्होंने सोचा कि नहीं भाई महिला का नाम लेकर काम करने में तो परेशानी हो जाएगी क्यों ना क्यों ना महिला का नाम छोड़कर पुरुष का नाम लिख लिया जाए क्यों ना किसी पुरुष का नाम रख लिया जाए यस yes, मदर सही है तो क्यों ना किसी पुरुष का नाम रख लिया जाए कैसा नाम भाई तो यूज ए किसका पुरुष पुरुष का नाम पुरुष का नाम क्या करेंगे महिला तो थी ही ये महिला तो थी ही ये चिल्ड्रन तो दोनों हो सकते हैं महिला पुरुष दोनों होते हैं भाई एडल्ट में भी तो महिला पुरुष दोनों होते हैं पुरुष का नाम का मतलब चार नंबर चार नंबर तो ये महिला होते हुए इन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा पुरुष बनकर ही काम करना पड़ेगा भले हम महिला हैं तो क्या हुआ कॉल्ड हर सेल्फ इन्होंने अपना नाम रख लिया हेरोल्ड क्या है सॉरी हॉवर्ड ग्लाइंडन रख लिया थॉट दैट अनलेस यूज ए मैस्कुलिन आगे यहां पे दिया हुआ था मैस्कुलिन नेम पीपल वुड बी लोग इनसे क्या होंगे लोग इनसे जलने लगेंगे जलना जलना तो लोग इनसे जलने जलने लगेंगे क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए जलने लगेंगे लोग इनसे जलने लगेंगे भाई देखो इनफेन्टाइल का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बचकना बचकना मतलब चाइल्डिस चाइल्डिस होता है वर्सटाइल का मतलब क्या होता है जो एक्सपीरियंस्ड हो एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड होता है ना जो दक्ष हो वो होता है वर्सटाइल दक्ष बहुमुखी प्रतिभा का धनी तो ये तो नहीं होगा गड़बड़ हो जाएगा इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है इनफर्टाइल का मतलब होता है क्या होता है इनफर्टाइल मतलब नपुंसक हो गया बंजर हो गया तो ये बंजर से कोई मतलब तो है नहीं क्या हो जाएंगे लोग इनसे हॉस्टाइल हो जाएंगे लोग पुरुष खासकर जो थे महिलाओं को डर था कि वो हॉस्टिलिटी रखने लगेंगे तो हॉस्टाइल क्या बात है वेल डन, वेल डन, तो ये हो जाएगा थ्री हो <coughs> गया okay. चलें बेहतरीन बैच प्रतिज्ञा बैच बहुत शानदार चल रहा है इस क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं लेकिन बेटा ऑफर अभी भी चल रहा है वैसे लोग जिनको सही मायने में अपनी तैयारी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे देना है ऑर्गेनाइज वे में तैयारी करनी है इसको ज्वाइन कर लें अभी मात्र ये सेवन नाइन नाइन का ही बैच है बेहतरीन बैच है बेहतरीन है एकदम चले अगला क्वेश्चन आ गया ये है कॉमन एरर का एट सेवन बिगेन द एजुकेशन दैट वाज टू और कौन नहीं जानता है दैट वॉज टू कि टू के बाद की पहली फॉर्म आती है जिसको इन्फिनेटिव कहा जाता है इन्फिनेटिव का काम ही होता है टू शो टू शो पर्पस पी यू आर पी ओ एस ई पर्पस ऑफ ए वर्ब तो किसी भी क्रिया के उद्देश्य को बताने के लिए इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव का और भाई इन्फिनेटिव क्या होता है तो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब वर्ब की की पहली form, की पहली फॉर्म फॉर्म को वर्ब का बेस फॉर्म भी कहा जाता है क्या करेंगे तो दैट वॉज टू दैट वॉज टू मेकिंग की जगह अगर हम मेक कर दें दैट वॉज टू मेक तो क्या दिक्कत है दैट वॉज टू मेकिंग की जगह मेक कर दें एम ए के ई तो यही आंसर हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा फोर 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 सही है यस दैट वाज टू मेक स्टीडी कहा गया है स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस 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 जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत तेज दौड़ा जा बहुत सारे लोग रेस में दौड़ में क्या करते हैं कि शुरू में ही खूब उखड़ के खूब तेज दौड़ जाते हैं और आधे दौड़ जाते जाते हाफ के गिर जाते हैं नहीं ये तरीका नहीं है भाई एक निश्चित चाल पकड़ ले तू एक निश्चित रफ्तार पकड़ ले रेस जीत जाएगा कहते हैं ना मधुशाला में लिखा हुआ है अलग अलग रह बतलाते सब मैं तो यह बतलाती हूं अलग अलग पंथ बतलाते सब मैं तो बस यह बतलाती हूं राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला तो बस एक राह पकड़ के यार चलता चल चलता चल चलता चल तुम्हें मधुशाला मिल जाएगा तो ये बेटा स्टीडी एक एडजेक्टिव है और स्टीडी का मतलब क्या होता है भाई स्टीडी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट होता है स्टीडी का मतलब कॉन्स्टेंट होता है ट होता है तो ये तो साइनो हो जाएगा और देना क्या है देना एंटोनिम है ये एक पॉजिटिव वर्ड है स्टडी, और इसका एंटोनिम देना है तो एंटोनिम नेगेटिव होगा एंटोनिम क्या होगा देखो देखो यार क्या क्या दे रहे हो कोई डेडिकेट दे रहा है कोई कुछ दे रहा है जो सेकी दे रहा है वो सही दे रहा है बिल्कुल सही तो सेकी का मतलब क्या होता है भाई सेकी का मतलब होता है वीक जो कमजोर पड़ जाए वीक होता है जो मध्यम पड़ जाए जो कमजोर हो जाए टेबुलर से कोई मतलब नहीं है डेडिकेट का मतलब समर्पित करना होता है समर्पित करना होता है इससे मतलब नहीं है ए? ये एक पॉजिटिव वर्ड है नहीं होगा ये एक नेगेटिव वर्ड है यही आंसर होगा पॉजिटिव वर्ड है नहीं होगा सॉरी नहीं होगा ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका एंटो नेगेटिव होगा और यही आंसर है यही आंसर हमारा कौन सा ये हो गया दो दो नेक्स्ट दो. <coughs> ही जब भी अभी हमने कहा कि जब भी किसी वर्ब का पर्पस बताना हो किसी भी वर्ब का पर्पस बताना हो तो वहां इंफिनेटिव आ जाता है टू प्लस वी वन तो उसने अपने लिस्नर्स को क्यों डांटा क्यों उसने डांटा तो इसका उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य जो होगा ये हो जाएगा टू और उसके बाद वॉब की पहली फॉर्म हो जाएगा टू प्लस वॉब की पहली फॉर्म तो यहां पे चार नंबर दे देंगे तो गलत हो जाएगा और ये तो होगा ही नहीं इससे मतलब ही नहीं है ये हो जाएगा टू प्लस वी वन यानी कि ये क्या हो जाएगा टू चेंज टू चेंज टू चेंज, टू चेंज हो जाएगा आंसर थ्री 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 हो जाएगा सही है यस टू चेंज चले आई वॉन्ट यू टू गिव मी दिस कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ये अंडरलाइन पार्ट है ये अंडरलाइन पार्ट है इन ब्लैक एंड वाइट लिखित में मैं चाहता हूं कि आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दें लेकिन मौखिक नहीं लिखित में दें लिखित में दें <coughs> लिखित में यस क्या बात है तो ये हो जाएगा इन राइटिंग इन राइटिंग हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा <coughs> वन 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 यही हो जाएगा नेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू बाई भाई ये प्लुरल जब नाउन हो गया ये नाउन क्या है प्लुरल नाउन है तो प्लुरल नाउन है तो एक यहां पे एक ऐसा एडजेक्टिव आए जो प्लुरल नाउन के साथ जा सके नाउन के साथ जाने वाला एडजेक्टिव चाहिए क्या चाहिए यहां पे एडजेक्टिव चाहिए अब ये क्या है ये तो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है होगा नहीं ये सिंगुलर इसके बाद क्या आना चाहिए इसके बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए तो ये हो नहीं सकता है हटा देते हैं ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता है हटा देते हैं ये हो जाएगा देश ये हो जाएगा देश यानी कि दिस दैट के बाद सिंगुलर नाउन और दीज दोज के बाद प्लुरल नाउन सबको मालूम है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है चले तो ये हो जाएगा दो दो, दो, दो नंबर ना अरे इसमें भी कुछ करना है सडनली आंसर कर देता हूं यार सडनली आंसर बता दें जल्दी से यही है ना डनली अगर इसके लिए हम सिनोनिम देना चाहें सडनली के लिए तो क्या कौन सा वर्ड आएगा इसके सिनोनिम के रूप में सडनली आसान सडनली आंसर एक नंबर हो गया इसका सिनोनिम क्या होगा <coughs> सिनोनिम क्या होगा पर्यायवाची क्या होगा सडनली का सिनोनिम आंसर हो गया ए सही है एक वर्ड दे देते हैं इसका सिनोनिम दे देते हैं कुछ फायदा हो जाए सबको ए बी आर यू पी टी एल वाई हो जाएगा एबरप्टली सडनली मतलब एबरप्टली एबरप्टली चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं <coughs> फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है क्या करेंगे हाँ हेस्टिली हेस्टी नहीं हेस्टिली हो जाएगा सही अब्रप्टली सडनली है इमीडिएटली तो सही है इमीडिएटली तो बहुत पॉजिटिव वर्ड है इसका हो जाएगा अगर देना चाहे तो हेस्टिली हो जाएगा एच ए एस टी आई एल वाई हेस्टिली हो जाएगा हैस्टीली. चले नेक्स्ट नेक्स्ट <coughs> में फिर से स्पेलिंग मिस्टेक देना हुआ देना है नैसेंट है मैलिएबल है आपसे क्यूएस है तो ये तो स्पेलिंग सही है ये भी स्पेलिंग सही है और ये भी स्पेलिंग सही है तो आंसर ये नहीं होगा आंसर ये भी नहीं होगा आंसर ये भी नहीं होगा ये स्पेलिंग गलत है और ये देख रहा हूं सबका आंसर आ गया ये है डिसेमिनेट डी आई डबल एस ई एम आई एन ए टीई डिसेमिनेट और डिसेमिनेट का जो मीनिंग होता है ये होता है स्प्रेड करना इसका मीनिंग है एस पी आरई ए डी स्प्रेड कोई इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना होता है प्रसार करना नेट का मतलब होता है न्यू Nascent का मतलब होता है recent, नया नया मैलिएबल का मतलब होता है जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सके जिसे आसानी से प्रभावित किया जैसे माइली कोई अगर एलिमेंट है या मेटल है तो उसको आसानी से दूसरे आकार प्रकार में ढाला जा सकता है और यहां जिसे आसानी से जिसे आसानी से मनाया जा सके या प्रभावित किया जा सके प्रभावित किया जा सके यानी कि मैली एबल जो है ये इजिली इन्फ्लुएंस्ड और चेंज अपसे क्युवस जो आया हुआ है इसका यहां पे लिख लेते हैं अपसे क्यूबस के लिए यहां देखेंगे अप्स क्यूवस ऑसक्यूएस का मतलब होता है ओवर ओबीडियंट ओवर ओबीडियंट ओवर ओबीडियंट होता है ये एस ई आर वी आई एल ई सर्वाइल होता है गुलाम जैसा होता है ये होता है <coughs> सब सर्वियंट एस यू बी एस ई आर वी आई ई एन टी सब सर्वियंट होता है गुलाम जैसा होता है ये एम डबल ई के मीक हो जाएगा एम डबल ई के मीक हो जाएगा ये सब सिनोनिम्स अति विनम्र जी हुजूरिया यस क्या कहते हैं इसको जी हुजूरिया कहा जाता है हिंदी में जी हुजूरिया जी हुजूरिया मतलब गिड़ गिराने वाला सब विनित भाव में रहने वाला एकदम उसको कहा जाता है आ, रिसेंट साथ न्यू रिसेंट के साथ मतलब इसका मीनिंग रिसेंट है का मीनिंग रिसेंट है नया नया है नहीं जैसे अगर कहा जाए मान लो क्या था कल कल था ना वैलेंटाइन डे था और कल ही किसी को प्यार हुआ हो तो क्या कहेंगे इट्स अ असेंट लव स्टोरी क्या कहेंगे इट्स अ असेंट लव स्टोरी इट्स अ एन ए एस सी एंट नैसेंट लव स्टोरी नई नई प्रेम कहानी है इट्स अ असेंट लव स्टोरी नई नई प्रेम कहानी नई नई प्रेम कहानी है चले अगला वर्ड आ गया अगला क्वेश्चन आ गया एक केज फॉर स्मॉल एनिमल्स जिसको क्या कहते हैं हिंदी में यार बड़ा अच्छा वर्ड है दड़बा दड़बा जैसे अगर कोई गांव में रहा हो कभी मौका मिला हो किसी को गांव में रहने का गांव से है कोई तो वहां पे मुर्गे मुर्गियों बत्तख आदि को रखने के लिए किसान जो होता है या जो पालते हैं एक छोटा सा उनका घर बनाया हुआ रहता है दिन भर ये मुर्गे मुर्गियां कहीं जाके अपना दाना पानी इकट्ठा करते हैं और रात को आकर उसी उसी कमरे में उसी छोटे से बॉक्स जैसे जो कमरा है उसमें जाके घुस जाते हैं और किसान या वो व्यक्ति बाहर से उनको बंद कर देता है ताकि कुत्ते और बिल्ली ना पहुंच पाए तो इसको कहा जाता है ये गुफा नहीं 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 ये तो गुफा है ये तो नहीं है ये तो गाय का छप्पर है ये भी नहीं है और ये तो गरीब खाना है झोपड़ी है ये भी नहीं है झोपड़ी भी नहीं है झोपड़ी ये भी गलत हो जाएगा तो सही क्या है ये है हच, ये है या ये है हच, है गांव में रहा हुआ कोई नहीं तो चलो हमारे गांव दिखाते हैं ले चलेंगे ट्रक में भर के सबको एक दिन चलो दड़बा <coughs> चले अगला क्वेश्चन है अरे जल्दी चले गेटिंग ए गुड नाइट स्लीप गेटिंग ए गुड नाइट स्लीप देखो अब यहां पे सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो पूरा सब्जेक्ट है गेटिंग ए गुड नाइट स्लीप जो है आपका पूरा सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई हुई है सही है सिंगुलर वर्ब है सही है लेकिन इफेक्ट आपका क्या है नाउन है इफेक्ट क्या है नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवॉब नहीं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट अब बहुत लोगों कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों को कि सर अफेक्ट क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है अफेक्ट क्या होता है और इफेक्ट क्या होता है बहुत सही प्रश्न है तो देखें अफेक्ट जो है बेटा ये है और ये आपका जो है इफेक्ट नाउन है ये है नाउन इसका मतलब होता है प्रभावित करना और इसका मतलब होता है प्रभाव यानी कि ये क्या है ये रिजल्ट है ये क्या है ये है आउटकम है लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तो ये बात थोड़ी सी और इसमें जुड़ देते हैं कि ई डबल एफ ई सी टी ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट वी वर्व का काम करता है और जब ये वॉब का, का काम करता है तो इसका मतलब होता है कॉज टू हैपन इसका मीनिंग हो जाता है कॉज टू हैपन कॉज टू और ये हो जाता है एच ए डबल पी एन कॉज टू हैपन इसको हिंदी में कहते हैं कोई बदलाव आदि बदलाव आदि बदलाव आदि बदलाव आदि कराना क्या होता है बदलाव आदि कराना होता है कोई चेंज आदि कराने के लिए होता है इफेक्ट जब वर्ब का काम करता है तब ज टू हैपन तो एफेक्ट वर्ब है प्रभावित करना इफेक्ट नाउन है प्रभाव है रिजल्ट है आउटकम लेकिन जब इफेक्ट वर्ब का काम करता है तो देखेंगे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है इस पर कल एक्सरसाइज कराऊंगा इस पर एक्सरसाइज में कल कराऊंगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें हम लोग करेंगे ए डबल एफ ई सी टी आफेक्ट ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट और एक बार और इफेक्ट करेंगे जहां पे हम कल बात करेंगे इसमें कि ये वर्व है और ये नाउन है और ये का भी काम करता है कल इस पर हम काम करेंगे चले <coughs> अगला क्वेश्चन है माई सिस्टर ट्रीट्स मी वेल इन द मॉर्निंग बट एट नाइट सी बिकम्स मेरी बहन का बर्ताव सुबह में अच्छा रहता है लेकिन रात को वो पिसाचिन बन जाती है रात को वो भूतनी बन जाती है अरे यार ये तो बीवियों के साथ होता है बहन के साथ कैसे हो गए तो माई सिस्टर ट्रीट्स मी वेल इन द मॉर्निंग में सही व्यवहार करती है लेकिन तो अब देखो यहाँ पे क्या भाई यहां पे आपका पॉजिटिव है ये क्या भाई ये पॉजिटिव है और यहां पे आ गया बट आ गया, गया कॉन्ट्रास्ट तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा अब नेगेटिव आएगा तो एलोकवेंट क्या होता है भाई एलोक्मेंट होता है वक्ता के लिए एलोक्वेंट मतलब अच्छा अच्छा वक्ता के लिए होता है स्पीकर के लिए होता है ही इज मोदी जी एन एलोक्वेंट स्पीकर लिख देता हूं एग्जाम्पल मोदी जी एन एलोक्वेंट स्पीकर मोदी जी इज एन ई एल ओ क्यू एन एलोक्वेंट और एस पी ए के ई आर मोदी जी अरे ये क्या ले दिया मोदी जी को यार मोदी जी लिख दिया मोदी जी इज एन एलोक्वेंट स्पीकर मोदी जी कर देते हैं ये नहीं तो नाराज हो जाएंगे मोदी जी एज इज एन एलोक्वेंट स्पीकर हैं एक्जपलरी मतलब होता है असाधारण असाधारण बहुत बेहतरीन उम्दा होता है बहुत शानदार होता है एक्जलरी शानदार एक्सेप्टेबल भी एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वीकार्य होता है तो ये पॉजिटिव है नहीं होगा ये पॉजिटिव है नहीं होगा ये पॉजिटिव है नहीं होगा अब ये ऑफुल का मतलब होता है भयावह या भयानक भयावह या भयानक होता है यानी कि टेरिबल होता है हॉरिबल होता है एक्सेट्रा क्या हो जाएगा यही ना दो दो, दो. हो गया ऑफुल यस ऑसम नहीं ऑफुल है और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा इसका एंटोनिम क्या होता है भाई और उसमें भी है लेकिन ए ई एस ओ एम ऑसम होता है ना ये ये शानदार अच्छा बेहतरीन होता है ऑसम चले अगला क्वेश्चन आ गया है टाइम भी हमारा हो रहा है जल्दी करेंगे ग्लूमी ग्लूमी मतलब क्या होता है भाई डिप्रेसिंग क्या देना है अप्रोप्रियट सिनोनिम सबको मालूम है अब ये क्या है नेगेटिव वर्ड है सिनोनिम देना है तो नेगेटिव ही होगा अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है नहीं होगा पॉजिटिव है नहीं होगा पॉजिटिव है तो नहीं होगा पॉजिटिव है तो नहीं होगा नहीं और यह भी क्या है भाई यह भी पॉजिटिव है यह भी नहीं होगा यह पॉजिटिव कैसे है क्योंकि इसका मतलब होता है नीडर इसका मतलब होता है निर्भिक नीडर या निर्भिक होता है इसका मतलब होता है डी ए यू एन टी डॉन्ट इसका मतलब होता है फियरलेस निर्भीक या नीडर होता है या डिप्रेसिंग सबको मालूम है वन नंबर मेनी ओल्ड स्टोरी वर रिटोल्ड एंड एंशियंट कोनंड्रम रिपीटेड सबसे पहले कोनंड्रम का मीनिंग जान ले ओ एन यू एन डी आर M कोनंड्रम क्या होता है कोनंड्रम जो है एक नाउन है कोनंड्रम एक नाउन है कोनंड्रम का मतलब लिख लेते हैं ये कोनंड्रम का मतलब लिख लेते हैं रीडल पता है ना आर आई डबल डी एल ई रीडल इसका मतलब लिख लेते हैं पी यू डबल जेड एल ई पजल इसका मीनिंग लिख लेते हैं ई एन आई जी एम ए एनिग्मा एनिग्मा इसका मीनिंग लिख लेते हैं कौन उलझन पहेली तो ये क्या है भाई उलझन है या पहेली है <coughs> उलझन है या पहेली है यस yes, आंसर आ गया उलझन है या पहली है दूसरी बात यह जान लेते हैं कि यार मेनी के बाद तो सबको मालूम है कि मेनी के बाद अगर देना हो तो मेनी के बाद प्लूरल नाउन भी होता है और प्लूरल वर भी होती है लेकिन अगर मेनी के बाद लेकिन अगर मेनी के बाद मेनी के बाद देखेंगे अगर मेनी के बाद ए या एन आ गया हो तो यह नाउन भी सिंगुलर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर भी होगी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वो यही आ गया है मेनी के बाद एन हो गया तो यहां पे वॉज होगा न कि वर होगा और यहां पे जहां दिया हुआ था मेनी and ओल्ड स्टोरी वॉज retold यही होगा क्या यस yes. अजीबो yeah. गरीब एक्सप्रेशन आ रहे हैं सबके देख लो जी मेनी के बाद अगर ए या एन आ जाए तो नाउन और वब दोनों सिंगुलर हो जाते हैं चले नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग इन द टूथ लॉन्ग इन द टूथ अगर कोई चीज लॉन्ग इन द टूथ है मतलब इसको कहा जाता है रायदर ओल्ड क्या कहा जाता है आर ए टी एच ई आर रायदर ओ एल डी ओल्ड रायदर ओल्ड अब आंसर दे दें बहुत पुराना या बहुत बुजुर्ग तो बहुत पुराना या बहुत बुजुर्ग होता है क्या करेंगे लॉन्ग इन द टूथ रायदर ओल्ड का मतलब वेरी ओल्ड वेरी वेरी ओल्ड इस राइदर का मतलब क्या हो गया यह हो गया वेरी वेरी ओल्ड वेरी वेरी ओल्ड बहुत पुराना वेरी मच ओल्ड तो क्या करेंगे टू ओल्ड टू डू समथिंग ये कर देंगे दो नंबर चले वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस जो भगवान के अस्तित्व को लेकर श्योर नहीं रहता है यानी कि जो संशयवादी है संशय में रहता है कि भगवान है कि नहीं है उसको संशयवादी कहा जाता है संशयवादी कहा जाता है कभी लगता है कि भगवान है और कभी कहता है कि अगर है तो दिखाएं हमें कहा है इसको संशयवादी कहा जाता है किसका आउटडेटेड होगा एंटिक तो ये हो जाएगा एग्नोस्टिक होता है संशयवादी एक नंबर आंसर है और हैगार्ड का मतलब जो होता है इमेसीएटेड ई एम ए सी आई ए टी डी इमेसिएटेड होता है एल ई ए एन लीन होता है एल ए एन के वाई लैंकी होता है भाई बहुत थिन टी एच आई एन अत्यंत दुबला पतला होता है थिन टी एच आई एन थीन होता है वीक होता है बहुत कमजोर होता है कमजोर ये पैंथेइस्ट जो हो गया ये बहुत सारे भगवान को मानने वाले को कहा जाएगा इसको कहा जाता है अनेकेश्वर अनेक ईश्वर तो अनेकेश्वरवादी। अनेकेश्वर वादी जो बहुत सारे भगवान को मानता है और ये तो एक स्टूडियो में चिल्लाता है वो भी एंकर होता है और एक एंकर का मतलब सपोर्ट भी होता है जिससे नाव को जहाज को बंदरगाह में पोर्ट पर बांधा जाता है ठीक है तो हो हो 1854 हो गया यार टाइम हो गया आज के लिए हमें बस यही तक अलाउड हूं मैं अगली क्लास भी है और अगले सर भी यहाँ आने के लिए बेताब हैं बेचैन हैं तो चलें जय हिंद गुड नाइट जय एग्जामपुर टेक केयर बेटा फिर मिलते हैं कल और आओ सब लोग दमदार तरीके से जोश और ऊर्जा के साथ कल थैंक यू बॉल थैंक यू बॉल गुड नाइट टेक केयर